हाँ क्या बोला? दरवाजा बंद कर दो, घर से बाहर जाना है, बहुत अच्छा लड़का है, चलें स्विमिंग क्लास। ओए इधर इधर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमेर जिजी एंड कियान व्लॉग्स। वो उधर पीछे है। तो भाई सुबह सुबह हम रेडी हो चुके हैं, कहाँ जाने के लिए पता है? यहाँ जाने के लिए। इसकी भाई स्विमिंग क्लासेस हैं, तो इसको आज लेके जाना पड़ेगा। दो हफ्ते हो गए हैं, मिस कर चुके हैं हम। और ये रही हमारी मैडम। सुप्रभात बोल रही है भाई आज तो, है ना? हंस रहे तू भी? चलो आज बहुत ही बढ़िया मौसम है भाई। आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग्स में आज बारिश हो रही थी, आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है। ओए ये क्या कर रहा है? हैं? तो जी यार हमको ना छोड़ के अकेले चली गई है शॉपिंग करने, क्योंकि कह रही थी कि कुछ सामान लेना है जाने से पहले जरूरी, तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो हो गया हूँ, मैं तो थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मैं और कियान चुपचाप गाड़ी में एसी चला के बैठ गए हैं। क्या बात है, कुछ कहना चाहता है क्या? ओके ओके यू आर राइट। बहुत दिनों के बाद भाई स्विमिंग क्लास हुई है। पिछले वेडनेसडे की क्लास इसलिए इसकी मिस हो गई थी क्योंकि सुबह सुबह भाई मेरे को ना 8 बजे कॉल आई थी उस ड्राइविंग वाले बंदे की कि तू आ जा, तेरा ना टेस्ट है। आ गई हमारी मैडम खर्चा करके, है ना? भाई साहब देख रहे हो, यह है मस्टैंग GT। अब इसकी बात सुनो है। भाई स्विफ्ट का तो मुकाबला है ही नहीं, बस ये तो है क्योंकि स्विफ्ट अलग है, फिर बाकी गाड़ियां स्टार्ट होती हैं। भाई पीछे छोड़ दिया मस्टैंग हमने, ये देखो ये पीछे आ रही है, आ गई। हाँ वो रही, देख रहे हो, कोई ये मस्टैंग पस्टैंग नहीं, ओनली स्विफ्ट। अब ये बोलेगी कि गाड़ी में बात नहीं होती, बात ड्राइवर में होती है। देख रहे हो भाई सुबह सुबह पार्किंग इतनी फुल है और ये सिर्फ बच्चों के लिए पार्किंग है। भाई बहुत मुश्किल के बाद ये कि पार्किंग मिली है, वो पीछे जो है वो पूरा पूरा भरा हुआ है। यहाँ से एक भाई निकला है पार्किंग के लिए तो हमें उसकी स्पॉट मिल गई है। ओए चले स्विमिंग। तो यार जी ने बोला है कि हम थोड़े से जल्दी आ गए हैं। भाई इसने मुझे बोला है तू आदिवासी है, चलो ये भी सही है। तो भाई यहाँ से ना एंट्री होती है कियान की। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है तो भाई हम ना कॉफी पीने आ गए हैं। हाँ भाई तेरा ठीक है तू? पर भाई यहाँ की ना कॉफी बहुत बढ़िया है, सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया कॉफी है यहाँ की, सस्ती है और सबसे बढ़िया कॉफी है यार। स्विमिंग। तो भाई स्विमिंग सेशन के बाद हम तीनों आ गए हैं घर और अब भाई मेन काम है इसको सुलाने का। सोएगा ये भाई, अपने बिस्किट खा रहा है और फिर ये सो जाएगा। और दूसरी तरफ भाई जी मेरा लंच रेडी कर रही है क्योंकि मुझे जाना है काम पे। जी जी व्हाट आर यू मेकिंग? फ्राइड राइस, eggs, rice, peas and onion. तो भाई सारे इंग्रेडिएंट्स मैडम ने बता दिए हैं और मैं क्या करूंगा पता है? मैं सिर्फ बस जा रहूंगा और चला जाऊंगा घर से। हमारा ये लंच रेडी कर दिया है, अब बस फटाफट इसको डालते हैं बैग में और निकलते हैं घर से। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कियान बाबू सो गया है। तो भाई बस्ता अपना पैक कर लिया है, ये रहा हमारा दूसरा फोन। दो फोन भाई रखने पड़ते हैं, वेरी बिजी पर्सन यू नो, क्योंकि कई बार इतनी कॉल्स आ जाती है कि दूसरा वाला रखना पड़ता है। तो यार एक बार चलते चलते अपना लेटर बॉक्स चेक कर लेते, कोई लेटर तो नहीं आया हुआ है। मैं वेट तो कर रहा हूँ भाई एक दो चीज होगा पर आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। भाई लेटर भी आते हैं उन बंदों के, आ रहे हैं जो यहाँ पे पहले रहते थे, हमें तो भाई अभी भी इंतजार ही करना पड़ेगा। तो यार सब लोग कहते हो भाई आप क्या क्या काम करते हो, भाई एक तो अपना ये नॉर्मल काम है मतलब हम कैजुअल जॉब कहते हैं, और एक भाई खुद का धंधा है, जो पिज्जा शॉप आपने देखी है वो हमारी खुद की है। आज रात को आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा, पर सबसे पहले जाना है अपनी पहली जॉब पे। भाई शीशा थोड़ा गंदा है, माइंड मत करना, पर देखने वाला देख लेगा कि मैं निकल गया हूँ घर से। तो भाई अब पूरे 10 घंटे हो चुके हैं जब मैं आपसे आखिरी बार मिला था, और अब क्योंकि काम पूरा खत्म हो चुका है और अब बस भाई 1 घंटा और रह गया हमारा काम खत्म होने में घर जाने के लिए। पर भाई कुछ भी कहो मजा बहुत आता है, मजा इसलिए आता है क्योंकि रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मिलता है ना आपको। मतलब कि इंडिया में क्या होता है कि महीने में सैलरी मिलती है, यहाँ पे हमको हफ्ते में सैलरी मिलती है, समझ रहे हो? तो इस वजह से रिवॉर्ड जब मिलता है हफ्ते में तब बहुत मजा आता है। इसके बाद भाई जाऊंगा मैं अपनी शॉप पे जो हमारा मेन धंधा है, वहां से मैंने क्या करना है, वहां से हमारी मैडम की फरमाइश है पिज्जा उठाने की, तो वहां से पिज्जा लेंगे और फिर उसके बाद घर जाएंगे। थोड़ा सा भाई प्लान में ना चेंज कर दिया मैंने ना, पहले जा रहा था मैं कहाँ पे पिज्जा शॉप, पर अब पिज्जा शॉप नहीं जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ
मैकडोनल्ड, क्योंकि दीपक भाई का फोन आएगी, यहाँ आ जा, यहीं पे खाएंगे आज कुछ। हमारी टीम मैडम सो चुकी है, उसने फोन उठाया नहीं, उनके साथ थोड़ा टाइम पास करके फिर घर जाएंगे। तो भाई हम पहुंच गए फाइनली मैकडोनल्ड, और गाड़ी में हमारे दीपक भाई बैठे हैं। अभी अभी वीडियो कॉल पे हैं भाई अपनी मम्मी के साथ, इस वजह से अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अभी जैसे ही फ्री हो जाएंगे फिर डिस्टर्ब करेंगे। और देखो भाई बात बढ़िया क्या है कि दीपक भाई के पास भी स्विफ्ट है, तो जितने भी लोग पूछ रहे थे कि भाई स्विफ्ट मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, स्विफ्ट ही स्विफ्ट हो रखी है। आ जा। तो भाई दीपक भाई अभी ऊबर ईट्स कर रहे हैं, और ऊबर ईट्स अपनी स्टूडेंट्स की फेवरेट जॉब है। तो भाई ये है हमारा खाना, और ये सारा भाई मैं सॉस भी है, सॉस भी लेगा पकड़ सॉस। आई है आपने बताया कौन सी है? गार्लिक। हाँ तो भाई खाना खाते टाइम भाई की दो डिलीवरी आ गई थी, क्योंकि भाई अभी कर रहा है डिलीवरी की जॉब, तो अभी फटाफट दो डिलीवरी करके आनी है, और दो डिलीवरी में पैसा कितना मिलेगा वो भी दिखाएंगे अभी आपको। ओ ये अच्छे अच्छे। तो भाई पहली डिलीवरी हो गई है, कन्फर्म कर देते हैं इसको, अगली जोड़ा खोल कर देख ले ना सील आए हैं। और ये आ गई भाई दूसरी डिलीवरी की डेस्टिनेशन। तो वापिस आ गए भाई हम मैकडोनल्ड, पर इन दो डिलीवरी के कितने पैसे बने अब आप ये सोचोगे, इन दो डिलीवरी के भाई मिले हैं कितने? 25 भाई साहब 25। तो भाई $25 मिले दो डिलीवरी करने के। तो जो भी बंदा नया आ रहा है उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट काम है भाई, अपना ऊबर के कोई भी डिलीवरी ऐप पे अकाउंट बनाओ और अपनी डिलीवरी स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट आपका रेंट और फूड और ट्रेवलिंग निकल जाएगी, है ना। रेंट पे गाड़ी लेने का फायदा है भाई साहब, रेंट पे। तो भाई कह रहे कि रेंट पे गाड़ी ले लो, आते ही खर्चा कर दो फिर उस खर्चे को भरो। पर मैं कहूँ पहले साइकिल ले लो, साइकिल पे डिलीवरी कर लो, थोड़ा पता चल जाएगा डिलीवरी कैसे करनी है, फिर गाड़ी ले लेना कि कहाँ पे पार्किंग करनी है कैसे, तो पैसा बहुत अच्छा बना लोगे। और आज मेरे को एक मैसेज भी आया था किसी का, एक भाई का, वो कह रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया आने वाला हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ रहती है वगैरह वगैरह, तो मेरे को काम मिल जाएगा। मैंने कहा भाई अगर कर ली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो मैंने कही कि अगर भाई तू ओपन है अगर हर काम के लिए तो पैसे कमा लेगा, पर भाई ऑफिस जॉब ढूंढने आया है फिर मुश्किल है थोड़ी सी। तो मैं कर ली जो तो भाई ऑफिस जॉब तो नहीं मिल पाएगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पर हाँ अगर दीपक भाई को भाई हम छोड़ के मैकडोनल्ड पे, मैं आ गया हूँ घर, क्योंकि दीपक भाई तो काम करेंगे अपना 3-4 बजे तक, क्योंकि भाई डिलीवरी की जो जॉब होती है ना वो रात को थोड़ी बढ़िया होती है, क्योंकि रात को कम ड्राइवर होते हैं, या फिर दोपहर को मतलब थोड़ी सही रहती है। तो भाई ऐसे ही टाइमिंग्स है यहाँ पे काम के। तो अगर आज का व्लॉग भाई अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अब मैं आपसे मिलूंगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जरूर, क्योंकि वहां पे हम रेगुलरली अपने डे टू डे लाइफ की स्टोरीज डालते रहते हैं। तो सब लोग भाई ध्यान रखो, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग सुमिरन जीसी व्लॉग्स।